अवतार मेहर बाबा के साथ मेरे अनुभव और उनकी कार्य प्रणाली। अवतार मेहर बाबा की जय। मेहर बाबा का कथन था, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव वीकनेसेस एंड फॉल्ट, येट दे ऑल आर गॉड इन देयर बीइंग अंटिल दे बिकम रियलाइज दे हैव देयर इम्परफेक्शंस। आज मैं चर्चा करना चाहूँगी अवतार मास्टर्स अपने भक्तों के साथ कैसे काम करते हैं, अपने लवर्स के साथ कैसे काम करते हैं। ये सच है कि बाबा के काम अनफैदमेबल अनलिमिटेड है। उनकी कार्य प्रणाली को समझना हमारे लिमिटेड माइंड के लिए बहुत मुश्किल काम है। हमने उनके विश्वव्यापी कार्य के बारे में पढ़ा है। इस पैंडेमिक के समय हमने बाबा के कहे हुए पूर्व वचन को सच होते हुए भी देखा है। मेहर बाबा का एक महत्वपूर्ण कार्य मस्त लोगों के साथ हुआ है, जो ईश्वर प्राप्ति में इतने मगन हुए थे कि बिना गुरु के प्रगति कर कहीं किसी प्लेन में अटक गए, और अवतार मेहर बाबा ने उन पर भरपूर कार्य किया और उन्हें पुश किया। बाबा कहते हैं कि आई वर्क फॉर मस्त एंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दे वर्क फॉर मी। बाबा कैसे उनकी एनर्जी चैनलाइज करके विश्वव्यापी कार्य में लगाते थे, ये बात तो कोई मास्टर, कोई सदगुरु या वली या कोई बहुत ऊंची आत्मा ही बता सकता है। लेकिन आज मैं बात करूंगी मेरी उस 20 साल की यात्रा की, जो मैंने बाबा लवर्स के साथ इंटरैक्शन काम होते हुए देखे हैं। और चूंकि मस्त का जिक्र आया है, तो मैं अपना एक किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जन्मदिन है 28 फरवरी 1969, यानी मेरा जन्म हुआ बाबा के जाने के ठीक 28 दिन बाद, या कह सकते हैं कि जब बाबा को समाधि दी गई उसके 7वें दिन अगर हम जोड़े 7 दिन बाद, तो मैं 21 दिन बाद पैदा हुई हूँ, या बाबा की कृपा से यहाँ इस धरती पे आई हूँ। अक्सर मैं 25 फरवरी बाबा के जन्मदिन पे मेहराबाद जाती हूँ और 28 फरवरी अपने जन्मदिन सुबह तक वहाँ रहती हूँ, सुबह की आरती करके फिर वापस मुंबई आ जाती हूँ। एक बार मैं जा नहीं पाई, मैं यहीं थी मुंबई में, फ़ोन आ रहे थे लोगों के, कुछ फ्लावर्स भी आए, तो मैंने ऐसे ही बाबा से कहा कि बाबा वेयर इज़ माई गिफ्ट, बाबा वेयर इज़ माई गिफ्ट। ये शुरू शुरू की बात है, जब मैं बाबा के फोल्ड में आई थी तब की बात है। तो शाम को जब मैं बाहर सैर के लिए निकली, तो एक महिला, शी वॉज नॉट अ बाबा लवर एट दैट टाइम, तो वो मुझे मिली। उन्होंने कहा मैं आपकी घर के सामने से निकलती हूँ, हमारा घर ग्राउंड फ्लोर पे है, तो सामने से निकलती हूँ तो मुझे खिड़की में से मेहर बाबा का फोटोग्राफ दिखाई देता है, तो मैं आपके घर के सामने हमेशा नमस्कार करके हाथ जोड़ के जाती हूँ। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, ये बात होगी कोई 2003 की, या हाँ 2003 की बात होगी। तो उस वक्त मैंने कहा अच्छा आप मेहर बाबा के बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं एक पुरानी लाइब्रेरी गई थी कुछ दिनों पहले और वहाँ मुझे मेहर बाबा की कुछ किताबें मिली हैं, तो उसमें से मैं कुछ किताबें आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो मैं मुस्कुरा दी कि बाबा ने कैसे मेरी बात तुरंत सुन ली। और जो किताबें उन्होंने मुझे मेहर बाबा की गिफ्ट की, उनमें से एक जो थी वो ओरिजिनल पब्लिकेशन था वेफेयरर का, और उसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई थी विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदिके रानी। ये मेरे लिए एक बहुत ही अमूल्य भेंट थी, और इसने मेरा विश्वास बाबा में बहुत गहरा किया कि बाबा हर एक बात हमारी सुनते हैं। और बल्कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो पहला पब्लिकेशन था, उसकी एक एक किताब बाबा ने अपने हाथ से ही लोगों को सौंपी थी, तो वो पुस्तक आज मेरे पास में है। ऐसे कुछ मैं बहुत सारे किस्से शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरे अपने अनुभव, अपने व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये प्रार्थना है कि आप उसे सुने, समझें और जो आपको सही लगता है वो ग्रहण करें। बाबा कहते हैं कि अनुभव हर्डल्स हैं, ये सच है, मुझे बहुत हुए हैं, क्योंकि मैं एक वर्ल्डली दुनिया में थी और वहाँ से बाबा ने मुझे खींच के निकाल के अपने दामन में जगह दी है। तो ये जो खींचतान हमारे और बाबा के बीच में हुई है, यही वो अनुभव हैं। तो उस खींचतान की आप बाबा से कभी अपेक्षा ना रखें, कभी जन्मदिन पे बाबा से नहीं कहें कि बाबा वेयर इज़ माई गिफ्ट, अगर देना होगा तो बाबा स्वयं आपके लिए ये कार्य करेंगे, है ना। ये बात मैं चर्चा आज इसलिए कर रही हूँ
क्योंकि मैं चाहती हूँ यंग बाबा लवर्स को पता लगे कि अवतार मेहर बाबा कैसे काम करते हैं। अवतार के काम करने का ढंग बहुत अनोखा और अनूठा होता है। अपनी ज़िंदगी में यदि हम उस ऊर्जा को और उस प्रेम को महसूस करने लगते हैं तो हमारी ज़िंदगी 360 डिग्री बदल सकती है। यानी आउटवर्ड से हम इनवर्ड जर्नी की ओर चल देते हैं, हम इन्वोल्यूशन के प्रोसेस की ओर बढ़ जाते हैं। मैं एक टेलीविज़न एक्टर के रूप में जानी जाती थी, बल्कि मैं खुद ही अपने आप को एक अकम्प्लिश्ड एक्टर मानती थी। मतलब एक ग्रॉस बॉडी वाला जो बाबा कहते हैं, मैं उसमें पूरी तरह से जो था मेरा ध्यान था और मैं उसी तरह का ही ज़िंदगी जी रही थी। मेरा करियर बहुत अच्छा चल रहा था, मैंने 30 से ज़्यादा सीरियल प्राइवेट चैनल पे किए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में वाई आर वी हियर जैसे प्रश्न उठते रहते थे। तो एक दिन मैं शिरडी साईं बाबा के मंदिर के बाहर खड़ी हुई थी और सामने कुछ बच्चे क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। न जाने कहाँ से ये विचार आया कि जब कपिल देव खेलते थे तब भी चौके छक्के की बाउंड्री वही थी, जब अजहर खेलने लगे तब भी वही, जब सचिन ने चौका मारा तो भी ऐसा नहीं हुआ कि बॉल वानखेड़े पार करके नरीमन पॉइंट पार करके समुद्र में चली गई हो। तो फिर ये तो सब कुछ मात्र रिपीटेशन है, दोहराव है। जो लोग पहले कर चुके हैं, जो हम पहले कर चुके हैं, वो शायद किसी और देश में किया होगा, किसी और रूप में किया होगा, हम फिर वही 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 आके बार बार किए जा रहे हैं। आज मैं बन बन के भी बहुत बड़ी अभिनेत्री बन जाऊं, जो कि मेरी कुंडली में लिखा था, तो अगले जन्म में भी आके मुझे वही सब दोबारा सब कुछ करना है, और खूब सफल होने के बाद में चलो मैं उमा थर्मन जैसी एक्ट्रेस भी बन जाऊं तो भी क्या। मैं रिपीट ही कर रही हूँ अपने अनुभव को, अपनी जिंदगी को, जो मैंने पहले जिया हुआ है उसी को। इससे मेरी ग्रोथ कैसे होगी? अब मैं किस ग्रोथ की बात कर रही थी मुझे उस समय खुद को भी नहीं मालूम, लेकिन बार बार ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि इस तरह से मेरी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मुझे सक्सेस मिलेगी, मुझे नाम मिलेगा, मुझे बाकी सुविधाएं जीवन में मिलेगी, लेकिन मुझे ग्रोथ मेरी नहीं हो पाएंगी। तो मैंने सोचा मुझे कैसा इंसान बनना चाहिए, कैसा एक इंसान को कैसा बनना चाहिए। तभी किसी कोई पास से निकला और उसने जाते हुए कहा, साईं राम। हाँ, साईं के जैसा बनना चाहिए। अगर इंसान सबसे बेहतर अगर कोई स्थिति पा सकता है तो वो साईं है। साईं से बड़ा इंसान कोई है ही नहीं। और साईं अगर बैट पकड़ के बॉल मार दें तो वो जरूर आसमान छूती हुई समुन्द्र में गिरे। मैं मुस्कुरा दी। ये विचार मेरे दिमाग में, मेरे मन में क्यों आया तब मेरी कोई समझ में नहीं आई बात। कुछ महीने बाद मैं फिर शिरडी आई तो मैंने साईं बाबा के सामने हाथ जोड़ के कहा, बाबा मैं यहाँ आती हूँ, मुझे अच्छा तो लगता है पर मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लीज़ मुझे और पढ़ना है और जानना है, उन लोगों से मिलना है जो मुझे बता सकें कि ये दुनिया चलती कैसे है, ये माजरा क्या है, ये दुनिया है क्या। ये बात 99 की थी। कुछ दिनों बाद ही मेरे पास एक किताब आई, साउंड ऑफ साइलेंस बाय नैन उमरिकर। इस किताब को पढ़ते ही मुझे लगा कि यही वो जगह है जिसको मैं बरसों से ढूंढ रही थी, मेहराबाद। 1991 में मेरे पिता श्री शरद जोशी और 99 में मेरी माता इरफाना सिद्दीकी दोनों ही चल बसे थे। तब भी मुझे कुछ आध्यात्मिक अनुभव हुए थे, साईं बाबा का विजन हुए थे। ये सभी नैन उमरिगर की तीसरी किताब में शामिल हैं। तो मैं बता रही थी कि मेहराबाद जाते हुए पूना क्रॉस करते ही मुझे कुछ कुछ अलग सा महसूस हुआ। मैं अपनी एक आंट के साथ बिना पूरा पता लिए हुए ही गाड़ी में बैठ के चली गई थी। ये किताब पढ़ने के तीसरे दिन की बात है। मैंने गाड़ी में ही हाथ जोड़ के मन ही मन में मेहर बाबा से कहा कि आपके बारे में जो सुना है वो यदि सच है तो आप कम से कम मुझे संकेत तो दीजिएगा कि मेरे पेरेंट्स आपके पास हैं या क्या है, मुझे बताइएगा। आप हैं तो यदि हैं मेरे पेरेंट्स आपके पास तो आप मुझे संकेत अवश्य दीजिएगा। तो मेहराबाद पहुंच के बाबा की समाधि के अंदर हाथ जोड़ के जब मैं बाहर आके बैठी तो किसी ने मेरी पीठ पे हाथ रख के कहा, तुम शरद जोशी की बेटी हो, इरफाना कहाँ है आजकल?
मैंने बाबा के चित्र की ओर सामने देखा और शुक्रिया किया समाधि की ओर देख के, क्योंकि जो संकेत मैं चाह रही थी वो संकेत मुझे मिल गया था। दो परिवार, प्रोफेसर राठौड़ और उनकी पत्नी लता और श्री गोकर्ण जी और उनकी पत्नी उर्मिला, ये मेरे माता पिता के मित्र थे जो मेहर बाबा के परम प्रेमी हैं, और इन दोनों से मुझे काफ़ी जानकारी और काफ़ी समझ मेहर बाबा के बारे में आई है, और मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार भी हूँ इसके लिए। तो मेहर बाबा का, तो ऐसे मेरी यात्रा जो मेहर बाबा के साथ में शुरू हुई, और भी आगे मैं इसके बारे में विस्तार से चर्चा करूँगी, और ये भी चर्चा करूँगी कि अवतार कैसे अपने कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या है।